measurement of pH. Scientists use different methods to measure pH of a solution. साइंटिस्ट जो हैं वो पीएच किसी भी सॉल्यूशन की पीएच मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं. पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इज़ यूज टू मेजर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. नॉर्मली जो है वो पीएच पेपर या यूनिवर्सली इंडिकेटर पेपर ही यूज़ किया जाता है इंडिकेशन के लिए. फॉर दिस पर्पज़ पीएच पेपर इज़ डिप्ड इन द सॉल्यूशन. द कलर दैट डिवेलप्स ऑन द पीएच पेपर इज़ कम्पेयर टू द कलर कॉरस्पॉन्डिंग टू द नॉन पीएच ऑन अ चार्ट. ईच कलर इज़ लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू. इसमें प्रोसेस क्या होता है कि पीएच पेपर जो हमें प्रोवाइड किया जाता है लैब में, उस पीएच पेपर को या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को हम डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में. अगर उस सॉल्यूशन का कलर, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि उस सॉल्यूशन का कलर आता है ऑरेंज, ये वाला कलर जो है अगर उस सॉल्यूशन का आता है तो इट मींस कि जब हम उस कलर को, उस पेपर को इस वाले चार्ट के पेपर के साथ जिसमें ऑलरेडी नॉन है हमें कलर्स कि इस ये वाला कलर जो है वो इस रेंज में एसिड है और ये वाला कलर इस रेंज में न्यूट्रल है, ठीक है, तो अगर उसका कलर 2 नंबर के साथ लिंक करता है इट मींस वो एसिड है, या फिर अगर 7 के साथ लिंक करता है तो इट मींस वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन केमिस्ट्री लेबॉरेटरी इज़ यूज़ ऑफ लिटमस पेपर. ज़्यादातर जो बहुत कॉमन है, बहुत इजी वे है, वो है लिटमस पेपर को यूज़ करना. इट इज़ यूज्ड टू गिव अ जनरल इंडिकेशन ऑफ अ वेदर अ सॉल्यूशन इज़ एसिडिक बेसिक. ये लिटमस पेपर का भी वही काम है जो इंडिकेटर पेपर का है कि इंडिकेशन ही करता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. इसके अलावा लिटमस पेपर जो होता है वो दो कलर्स में हमें मिलता है, या तो उसका कलर रेड होता है या ब्लू होता है. एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाएगा चेंज होके. एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू. और अगर हम बेस में रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में. अगर फॉर एग्जांपल आपसे इस किस्म का टेस्ट लिया जा रहा है और आपको नहीं बताया जाता है लेबॉरेटरी में कि सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आपको रेड लिटमस पेपर दिया जाता है उसको आप सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वो ब्लू में चेंज हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए डिप करने के बाद, सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, तो वो क्या है, सॉल्यूशन बेस है. और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाए तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिड होगा. एसिड बेस इंडिकेटर्स आर आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन. इंडिकेटर्स आर इंटेंसली कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ज़्यादातर इंडिकेटर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं. दे चेंज कलर विद इन अ स्मॉल पीएच चेंज एंड इंडिकेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर. और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जैसे ही डिप कर दिया जाए सॉल्यूशन के अंदर, हम पीएच पेपर को डिप करते हैं तो वो फ़ौरन से कलर चेंज करता है और बहुत स्मॉल अमाउंट. फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है ना, एसिड है ना बेस है, आप उसमें बहुत कम अमाउंट में एसिड डिसॉल्व करते हैं और जैसे ही आपने उसमें पीएच पेपर डिसॉल्व किया तो वो उस कम अमाउंट की प्रेजेंस में भी अपना कलर चेंज करेगा. वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन इंडिकेटर टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच एंड मेजर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम द रिजल्टिंग कलर. ठीक है, तो अगर हम किसी भी अननोन सॉल्यूशन में एसिड डाल देते हैं फिर उसको अच्छे तरीके से डिसॉल्व करने के बाद उसमें पीएच पेपर डिसॉल्व करते हैं, डिप करते हैं, तो उसमें भी उसका कलर चेंज होगा चाहे उसमें कम अमाउंट में एसिड या बेस हो सॉल्यूशन में. नेक्स्ट इसके साथ दो बॉक्सेस हैं इस पेज पे, पेज नंबर 30 पे. पहला है साइंस टेक्नोलॉजी, सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस. इसमें गिवन है, क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसकी हेडिंग को एसिडिटी ऑफ स्टमक. एसिडिटी ऑफ स्टमक में इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है इस बॉक्स में. द मेन कंपोनेंट ऑफ अ डाइजेस्टिव और अ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमें पता है कि हमारे स्टमक में एसिड पाया जाता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. ऑलमोस्ट 2 लीटर ऑफ इट इज़ सिक्रीटेड ईच डे बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और इसकी सिक्रीशन होती है जो स्टोर हुआ होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में. जितनी अमाउंट में हम जो फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जितनी अमाउंट में चाहिए होता है गैस्ट्रिक जूस जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टमक को. However, sometimes too much acid is secreted in the stomach, which causes indigestion. बाज़ औक़ात जो है हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक लिमिट से ज़्यादा इसको सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से स्टमक में जलन स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, स्टमक की इंटरनल वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं. दिस इज़ कॉल्ड द एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. उसे क्या कहते हैं फिर, स्टमक में जलन का फील होना, तो उसे कहते हैं एसिडिटी ऑफ स्टमक. और इसी को आप हेडिंग को क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि वट इज़ एसिडिटी ऑफ स्टमक, उसका फिर ये सारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसी पेज के ऊपर हर एक हेड बॉक्स के साथ, हर एक पैराग्राफ के साथ क्वेश्चंस गिवन है, आपने उनको साथ साथ नोट डाउन करना है.
यहाँ पे नीचे दूसरा बॉक्स है सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस का, इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है एप्लीकेशंस ऑफ पीएच, कहाँ कहाँ पीएच को हम अप्लाई करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट मेजर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, पीएच मेजरमेंट हैज़ वैल्यूएबल एप्लीकेशंस। फॉर इंस्टेंस इट हेल्प एनालिटिकल केमिस्ट टू क्रिएट सॉइल कंडीशंस आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ। एग्रीकल्चर में इसको यूज़ किया जाता है सॉइल की कंडीशन को देखने के लिए कि इसमें प्लांट वेल ग्रो करेगा या नहीं करेगा। मेडिकल डायग्नोसिस, मेंटेनिंग द करेक्ट एसिड बेस बैलेंस इन अ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर स्विमर्स के लिए सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन को नॉर्मल रखना, उसके लिए एसिड बेस को करेक्ट वे में उसको मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसन, मेडिसन के बनाने में पीएच रेंज जो है वो काम करती है। टैप वाटर एंड वेस्ट वाटर, इन सब में पीएच जो है वो अप्लाई की जा सकती है इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने घर से अगर एग्ज़ाम्पल लें तो अगर घर का पानी जो हमारे वेल में पाया जाता है उसमें अगर कड़वाहट है तो उस पानी को चेक करवाना है तो वो भी हम पीएच पेपर से चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे घर का पानी एसिडिटी रखता है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस पेज पर आपने स्टूडेंट पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन गिवन हैं। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ पीएच के साथ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कैरेक्टराइज ऑफ सब्सटेंसेस बाय पीएच पेपर, कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के साथ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सब्सटेंस बाय लिटमस पेपर, किसी भी सब्सटेंस की नेचर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लिटमस पेपर की मदद से। तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है कि लिटमस पेपर अगर हम डिप करते हैं तो उससे पता चल जाता है कि सॉल्यूशन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स आर यूज्ड और यूजफुल, ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स हमारे लिए कैसे मुफीद हैं, यूजफुल हैं।